सूर्य यादव है इसलिए बांग्लादेश सीरीज से बाहर। पंत ब्राह्मण है इसलिए फेल होने पर भी मिला मौका। संजू ईसाई है इसलिए रोहित ने टीम में नहीं चुना। जयशाह के आते ही मुसलमानों की एंट्री बैन हो गई। क्या टीम में जाति और धर्म के आधार पर होता है सिलेक्शन? 3 मिनट में आपका सिर चकरा जाएगा। जाति का नशा हिंदुस्तान को सालों से बर्बाद कर रहा है। हमारे देश में बोलने की आजादी है, कोई कुछ भी बोल देता है, पर उसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में भारतीय टीम में जाति देखकर सिलेक्शन होता है? वरिष्ठ पत्रकार और दलितों का मुद्दा उठाने वाले दिलीप मंडल का दावा है कि भारतीय टीम में हमेशा 11 खिलाड़ियों में 7 ब्राह्मण होते हैं। बांग्लादेश सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को जैसे ही आराम दिया गया वैसे ही ये विवाद खड़ा हो गया। ट्विटर पर दावा किया जा रहा है कि संजू और सूर्य को न खिलाने के पीछे उनकी जाति और धर्म है। सियासत में जैसे छोटी पार्टियों का जन्म जाति और धर्म के आधार पर होता है, क्या वैसे ही क्रिकेट में भी हो गया है? अब हम आपको 3 मिनट में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े दिखाते हैं। ट्विटर पर जाति को लेकर एक ट्रेंड चलाया गया जिसमें 50,000 ट्वीट आए। दावा किया गया कि अब तक टेस्ट खेल चुके 302 क्रिकेटर्स में सिर्फ 5% मुसलमान रहे हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट की जातियों के खिलाड़ी महज 8% हैं। भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 15% और शेड्यूल कास्ट जातियों की हिस्सेदारी 25% है। भारतीय टीम में इसलिए सूर्य का चयन 10 साल बाद हुआ, इस आरोप में कितनी सच्चाई, इसकी हम पड़ताल करते हैं। दरअसल जिस वक्त सूर्य कुमार यादव को टीम में मौका मिलना चाहिए था, उस वक्त मनीष पांडे नाम के खिलाड़ी को पंत की तरह मौका दिया गया, लेकिन वो खुद को साबित नहीं कर पाए। इधर सूर्य घरेलू सीरीज में धमाल मचा रहे थे। कुछ ऐसी ही कहानी पंत और संजू सैमसन में उलझ गई है। पंत लगातार फ्लॉप है फिर भी मौका मिल रहा है, जबकि संजू लगातार हिट है फिर भी रेगुलर मौका नहीं मिल रहा है। हमने रिसर्च की तो हमें 16 अगस्त साल 2014 को छपी बीबीसी की एक रिपोर्ट मिली जिसकी टैगलाइन थी, आप कितने दलित क्रिकेटर्स को जानते हैं। नीचे खबर में दावा किया जाता है कि कपिल देव से भी महान वीनू मांकड़ थे, पर उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि कपिल देव ब्राह्मण है। भारत में टेस्ट क्रिकेट में उच्च जाति के ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, पर इसका लॉजिक क्या है ये समझना होगा। टीम में कई मौकों पर 50-60% ब्राह्मण खिलाड़ी दिखाई देते हैं। साल 2008 का सिडनी टेस्ट सबको याद होगा जिसमें जब 11 में से 6 खिलाड़ी ब्राह्मण थे, तो आप किसी खिलाड़ी के आंकड़े देखेंगे या जाति? क्योंकि भारत में लगभग हर नौकरी में आरक्षण है, फिर भी ब्राह्मणों की संख्या वहां ज्यादा कैसे हो गई? यूपीएससी में भी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जैसी जाति के बच्चे ज्यादा संख्या में बाजी मारते हैं। सूर्य कुमार यादव जब बैटिंग करते हैं तो क्या आप ये देखकर मैच देखते हैं कि कौन यादव है और कौन ब्राह्मण? शायद नहीं, तो इन बातों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कोई योग्य इंसान बेरोजगार बैठता है? नौकरी नहीं मिलती है तो अपना काम करता है, ऐसे ही खिलाड़ी होते हैं। आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो तो खुद को साबित करें। मनीष पांडे ने जब खुद को साबित नहीं किया तो वो टीम से बाहर हो गए। रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे तो बाहर होंगे। सचिन तेंदुलकर ने एक बार जनेऊ बाहर निकाल कर दिखाया था, जिसके बाद आरोप लगाया जाता है कि वो जाति दिखा रहे थे। पर क्या सचिन को भगवान कहने वाले सिर्फ ब्राह्मण है, या फिर पूरी दुनिया सचिन को क्रिकेट का भगवान कहती है? जिस दौर में सहवाग तूफानी पारी खेलते थे उसी दौर में जहीर खान कहर बरपा रहे थे, उसी वक्त हरभजन सिंह ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, फिर किस लिए जाति और धर्म का मुद्दा उठाया जाता है? अगर ब्राह्मण हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को मौका मिला तो मुस्लिम पठान भाइयों को भी तो मौका मिला। फिर ये दावा एक तरफा लगता है, ये बहस काफी गंभीर है। सूर्य ने जब शतक मारा तो भारत के हर खिलाड़ी ने सराहना की। हम सभी खिलाड़ियों का ट्विटर पोस्ट आपको दिखाते हैं, पर कुछ लोग मानसिक तौर पर इतने बीमार हैं कि सूर्य की जाति निकाल दूसरी जाति से भिड़ाने का काम करने लगे। हमें क्रिकेट देखना है या फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी की तरह सियासत करनी है, यह आपको तय करना है। आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।